वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग। एंड कल के लिए बेस्ट 3 स्टॉक्स हम फिर से आप लोगों के लिए लेके आए हैं। सबसे पहला नंबर स्टॉक है अपने पास परसिस्टेंस। एंड परसिस्टेंस को देखेंगे तो ये एक ब्रेकआउट जोन में जा चुका है, जहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको एक रेसिस्टेंस था जहाँ पे ये रुक जा रहा था, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो इसका ये रेसिस्टेंस है और एक ट्रेड लाइन भी है जिस ट्रेड लाइन के ऊपर ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। एंड नीचे में एक सपोर्ट लाइन है जिस सपोर्ट लाइन को ये बहुत बेहतर तरीके से रेस्पेक्ट दे रहा है। दो कन्फर्मेशन यहाँ पे है अपने पास। पहला तो यहाँ पे इस रेसिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट आ चुका है, दूसरा ये जो सपोर्ट जोन है सपोर्ट जोन को ये टेस्ट भी कर चुका है, यानी कि रीटेस्ट भी हो चुका है इसका। जस्ट हम लोग को वेट करना है प्रीवियस हाई का ब्रेक होने का। दो दिन का रेंज बन चुका है, एक पहला दिन यहाँ पे, दूसरा दिन आज सारा दिन मार्केट इसी रेंज में था। अब हम लोग कल वेट करेंगे कि परसिस्टेंस 3795 का जो लेवल है इसको ब्रेक कर दे। इसको ब्रेक करते ही एक यहाँ पे बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, नीचे का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट दो कैंडल का वॉल्यूम देख सकते हैं काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। कल मे भी चांसेस ज्यादा रहे परसिस्टेंस गैप अप ओपन होने का। इसके ऊपर अगर कैंडल सर्वाइव करे तो हम लोग बाई कर लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 3715 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 3962 का, सॉरी फर्स्ट टारगेट रहेगा 3857 का, सेकंड टारगेट रहेगा 3962, थर्ड टारगेट रहेगा 4113। जो थर्ड टारगेट ये काफी बड़ा है, तो यहाँ तक जाने में इसको अप्रोक्स एक सप्ताह से ज्यादा लगेगा। सेकंड टारगेट तक ये आपको 5-6 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक पहुंचने में मे भी 15-20 दिन लग सकता है, तो इसके हिसाब से अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिएगा। सेकंड नंबर स्टॉक है अपने पास एमहसिस। एंड एमहसिस को देखेंगे तो ये भी एक रेसिस्टेंस जोन के नीचे ट्रेड कर रहा था, बट ये रेसिस्टेंस जोन ब्रेक हो चुका है। रेसिस्टेंस जोन ब्रेक जब हुआ था तो बुलिश मोमेंटम आया था, वॉल्यूम वहां से इंक्रीज होना चालू हो गया, रिटेस्ट भी हुआ। अब जस्ट वेट करना है कि ये जो प्रीवियस हाई है मे भी ये कल ना ब्रेक करे, कल के बाद दिन अगर ब्रेक करता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, 2634 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, हम लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2545 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 2698। ये जो इसका फर्स्ट रेसिस्टेंस जोन है यहाँ तक हम लोग फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। सेकंड टारगेट रहेगा 2935। ये जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये सपोर्ट पे ऐसा काम करने लगेगा। अब मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो जो सेकंड टारगेट है वो काफी बड़ा है इसलिए। थर्ड नंबर स्टॉक है अपने पास रैमको। एंड रैमको सीमेंट्स को देखेंगे तो एक रेसिस्टेंस जोन था, जिस रेसिस्टेंस जोन को ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसको रिटेस्ट भी किया है। अब यहाँ पे इसका सपोर्ट जोन है, देख रहे जहाँ से ये कंस्टेंट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे वापस ये सपोर्ट लिया। इस हाई के ऊपर जाते हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाई करेंगे, यानी कि 698.45 के ऊपर जाए तो बाई करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 684 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 718 का, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 732.8। थर्ड नंबर स्टॉक है अपने पास फोर्थ नंबर ऐसे स्टॉक कल एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर एग्जीक्यूट होता है तो ले सकते हैं, इसको भी हम लोग वॉचलिस्ट में रखेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा रेंज है, अच्छा खासा रेंज है जिस रेंज का यहाँ पे आ रहा है ब्रेकआउट। अब इस रेंज का ब्रेकआउट तो आ चुका है हम लोग को, लेकिन यहाँ पे वेट करना है कि प्रीवियस हाई के ऊपर जाए, मे भी कल ना जाए। यहाँ पे एक दो स्टॉक ऐसा है जो कल एग्जीक्यूट ना हो, कल के बाद वाला दिन एग्जीक्यूट हो, तो इस पे ध्यान रखना है कि जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। ये नहीं है कि कल ही ले लेना, ऐसा गलती नहीं करना वरना फंस जाएंगे। तो प्रीवियस हाई यानी कि 1529.15 के ऊपर जब जाएगा इन प्रोसेस तो ही बाई करना है, अदरवाइज इसको स्किप करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1485 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 1550 का, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 1646। तो काफी बड़ा टारगेट है इंफोसिस का भी, तो इस हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब तक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अब आते हैं थोड़ा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे डिस्कस कर लेते हैं। काफी दिनों से आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का मौका नहीं मिल रहा होगा। इवन आज भी हम जैसे कल ही बताए थे कि मार्केट एक साइडवेज रेंज पकड़ेगा और ये मार्केट फिर से साइडवेज रेंज पकड़ा, तो इस रेंज के भीतर भी ट्रेड हुआ, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग नहीं हुआ। आज हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। अगर देखेंगे तो निफ्टी में यहाँ पे एक छोटा सा जो सपोर्ट था उस सपोर्ट को ब्रेक करके वापस ये जो लो है मार्केट वहां तक गिर गया।
एक छोटा मोटा ट्रेड, लेकिन बड़ा मूवमेंट वाला जो बात था वो अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे भी हम कल ही बताए थे कि मार्केट साइडवेज रेंज में रहेगा, कोई अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया एंड मार्केट यहां से कंस्ट्रेन गिरा। बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड देखने का मौका मिला हम लोगों को, तो यहां पे हम लोग अच्छा खासा पैसा भी आज बना लिए। बट लाइव मार्केट अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम में अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब में ऐसे बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कल क्या होने वाला, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर कभी भी चेंज हो जाता है। मार्केट अभी तक पॉजिटिव मूवमेंट के लिए तैयारी कर रहा था, अचानक से मार्केट नेगेटिव हो गया। तो लाइव मार्केट में हमेशा फोकस रखना है, मार्केट जो दिखाएगा, मार्केट जहाँ चलना चाहता है वहीं हम लोग को चलना है। माइंड में पहले से सेट करके नहीं रखना है कि मार्केट इधर ही जाएगा। मार्केट अगर इधर नहीं जाके इधर जाता है तो हम लोग इधर मार्केट के संग जाएंगे, मार्केट के अपोजिट नहीं जाएंगे। ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ ट्रेंड चल रहा है, जिस तरफ मार्केट का मूवमेंट हो चाहिए, जिस तरफ मार्केट मूवमेंट जा रहा है, उधर ही हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। लास्ट में यही एक चीज़ बताएंगे कि ओवर ट्रेड मत कीजिएगा, ओवर ट्रेड से बहुत पैसा का नुकसान हो सकता है। कोशिश कीजिएगा अपना क्वांटिटी को लिमिट में रखने का, ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो तो आपको ज़्यादा पैसा का नुकसान ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो मुझे वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, अच्छे से ट्रेड लीजिएगा। थैंक यू।